नमस्ते मित्रों, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस एक संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई के एक वरिष्ठ कलाकार, वन ऑफ द एमिनेंट ब्रिलियंट आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई, रवि मांडलिक। मित्रों, हम सब जानते हैं, आप जैसे जानते हैं, रवि मांडलिक मुंबई बेस्ड है, वो जेजे के स्टूडेंट थे, काफी साल उन्होंने जेजे में पढ़ाया एंड उनकी आर्ट जर्नी जो शुरुआत हुई वो काफी कुछ फिगरेटिव, कुछ बहुत फॉर्म्स भरे हुए कंपोजिशन से एंड लेकिन देन इट ट्रांसफॉर्म टू फॉर्मलेस, काफी एब्स्ट्रैक्ट वर्क पे चले गए। तो आज के इस एक संवाद डिस्कशन में, एपिसोड में, हम उनके थॉट प्रोसेस, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके आइडियाज क्या थे वो जानने की कोशिश करेंगे। वार्म वेलकम रवि जी, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है, आपका भी स्वागत है। थैंक यू वसंत जी, अ नाइस प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑलवेज। व्हेनेवर मैंने जब फोन पे भी बात किया तो आई एंजॉयड कॉन्वर्सेशन विद यू। आपके पेंटिंग्स ब्रिलियंट एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशंस, उसके बारे में क्या कहें, बट लेकिन मैं जैसे आपके पेंटिंग्स जब यू नो यूजुअली लोग कहते हैं पेंटिंग्स देखते हैं, मैं पेंटिंग्स को थोड़ा पढ़ता हूं एंड आई गेट अ गुड सेंस ऑफ डेप्थ इनटू इट, सो दैट इज द क्यूरियोसिटी कि मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या अनुभव रहेंगे जो इतनी डेप्थ लाई उस पेंटिंग्स में। So to begin with, how would you आप कैसे कहेंगे कि आपके अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के बारे में क्या थॉट प्रोसेस क्या है? Actually, अमूर्त ये चीज बड़ा, ये शब्द बड़ा गहरा है कि उसके बारे में मतलब हम सोचेंगे उतना उसको लिमिटेशन है ही नहीं। और जो स्टार्टिंग में जो भी मैं रियलिस्टिक करता था तो मुझे पहले तो ये पता नहीं था कि आर्ट इस ढंग से भी होती है। तो मुझे रियलिस्टिक पता था कि जो दिखता है वो निकालना, मतलब हम कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट के बारे में इतना ही जानकारी थी कि वो रियलिस्टिक करेगा, जो दिखता है वो कर पाएगा वो आर्टिस्ट। क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को देखा है, वो बहुत अच्छा रियलिस्टिक पेंटर थे, साथ में वो पढ़ाते भी थे, ड्राइंग टीचर थे। और जब से मुझे समझ आई तब से मैं उनका वो वर्क देखने लगा, वही मुझे लगन भी थी और धीरे धीरे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट होते गया। तो जेजे में आने के बावजूद भी रियलिस्टिक ये मुझे इजी था, स्केचिंग करना है, लैंडस्केप करना है, जो दिखता है वो निकालना है। लेकिन जेजे में आने के बाद धीरे धीरे भी एक समझ आती है आर्ट के बारे में। वैसा एक करीबन मैं फाइनल ईयर 84 में था, तभी वो आपको पता होगा उस टाइम तो एब्स्ट्रैक्ट का दौर था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट जोर पे थे। तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी की एक क्या चीज है, तो धीरे धीरे जो अभी कोई भी आर्टिस्ट हो या पर्सनैलिटी बनती है तो वो पर्सनैलिटी अगर सोचे तो उसके बचपन में ही होती है, वही दिखता है, जो उसका बचपना होता है एक्चुअली फ्यूचर में वही उसकी पर्सनैलिटी बनती है। कोई भी सक्सेस पर्सनैलिटी आप देखेंगे तो उसका बचपना उसके इसमें आता है, या तो उसका बचपन का जो भी वो ग्रास करेगा वो उसके इसमें आएगा ही आएगा। वैसे ही मेरा गांव भी जो था, बचपना मेरा गया, वो एक ऐसा नेचर से बहुत मिलता जुलता नजदीक, मतलब मिट्टी से खेला हूँ, खेतों में, झाड़ों में, इधर उधर, नदी में, एक दो नदी हमारे गांव में है, तो एक नदी क्रॉस करके रोज स्कूल में मैं जाता था। मेरे साथ मेरा दोस्त रहता था जिसका नाम श्रीकांत डहाके, वो अभी नहीं है हमारे में, लेकिन
वो थोड़ा सा साहित्य से जुड़ा था, वो कभी भी मतलब साहित्य के बारे में पोएट कुछ लेखक ये उसके ऊपर हम डिस्कस करते थे। वो उसके पोएट्री के साथ बात करता था और माय विजुअल आर्ट के बारे में, मतलब ऐसा कुछ भी हम देखेंगे खेलेंगे तो हमारी बातें वैसी होती थी। ये हमको दोनों को ही समझ में आती थी कि हम क्या करते हैं, बाकी लोगों को तो मतलब समझ में देंगे बट कोई चिल्लाते थे क्या चल रहा है तुम्हारा वगैरह वगैरह। तो इस ढंग से आया हूँ। बाद में फिर एजुकेशन होता है हमारा, कुछ संस्कार उसमें ऐड होते हैं, और जैसा भी संस्कार ऐड होते हैं तो हम थोड़ा सा एक कंफ्यूज माइंड में होते हैं, हमको पता नहीं रहता है कि एक्चुअली क्या है। धीरे धीरे जब हम हमको खुद को देखने लग जाएंगे, जब हम खुद का परीक्षण जैसा करने लगते हैं, तो फिर अपने आप वो लिंक में जो अपने को अच्छा लगता है वो अपना बचपना ही होता है, तो वो ही लेके रियलिस्टिक जैसा मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ या तो किया हूँ, तो करते करते मुझे तो इजीली होता था रियलिस्टिक, मतलब बैठा कि एकदम जो है वो मतलब गलती से भी गलत लाइन नहीं आती थी कैसा भी कर। तो फिर और क्या आगे, और जैसा जैसा लाइब्रेरी में वो कुछ पेंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे डिस्कस करेंगे तो उसमें इसमें मेरा क्या है, इसमें रवि मंडलिक कहाँ है, तो ये करते करते। और वो बाद में जैसा स्केचिंग बोलो लैंडस्केप बोलो, तो एक इंसिडेंस जब हम लैंडस्केप गए थे तो मेरे एक सीनियर आर्टिस्ट लेडी आर्टिस्ट थी, बोले रवि तेरे साथ लैंडस्केप वो तू रहता है उधर हम जाएंगे, तुझे ये जगह पता है क्या? हाँ चलो। तो हम एक जहाँ पौधे ज़्यादा हो गए ऐसा, तो हम वहाँ गए लैंडस्केप तो मुझे एकदम जो ऐसा दिखता है वैसा वाटर कलर में फटाफट फटाफट मैं करके हो गया मेरा, और उसका शांति से पेन ड्राइंग चल रहा था बहुत शांति से। तो मुझे लग रहा क्या ये पेशेंस है, कितना आराम से करती है ये। लेकिन जब कंप्लीट होता ना, मुझे वो बोरिंग हो रहा था प्रोसीजर्स का, लेकिन जब कंप्लीट हुआ और दोनों का हमने टैली किया तो उसका बड़ा सुंदर वर्क लग रहा था। वो लाइन में एक अलग की पोएटिक लाइन थी, वो पूरा जो फ्रेम था उसमें एक रिदम था, और मेरा जस्ट एक जो ग्रीनरी दिख रही थी वो जैसा लाइट है उसमें का वो लाइट मैंने पकड़ लिया था। तो यार दिखता तो मेरा अच्छा है लेकिन जब लग रहा आपका अच्छा, इसमें सब लाइट है ये है, तो आपने तो पेन से किया, वो जैसा दिखता वैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो बोले मैंने जैसा दिखता वैसा लिया ही नहीं, ये जो एटमोसफियर है इसका जो पूरा यहाँ का माहौल है, जो अलग अलग तरह के पत्तियां हैं फूल है वो मैंने कंपोज किया है। तो फिर मुझे क्यों नहीं ये जमा इस टाइप का, तो बोले तू ज्यादा सोचता ही नहीं, खाली तुझे दिखता है वो तू पेंट किया और बहुत मास्टर है एकदम फटाफट फटाफट कर लेता है। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, तो बोले इसके लिए पेशेंस थोड़ा सोच। तो ये एक कंसंट्रेशन का एक थोड़ा सा एक क्या बोलते दृष्टि उसने मुझे दी, ये थोड़ा सा सोच उसमें जो भी देख रहा है उसके बारे में सोच, और बाद में फिर क्या करना है तुम्हारी स्पेस देखो और बाद में करो। तो ये जो कंसंट्रेशन की बात थी, ये कॉलेज में मैं बोलता था ये होता था, लेकिन जो हम खुद करते हैं ना तो वो पता नहीं रहता, वो अनकॉन्शियस माइंड में सब निकल जाता है और जो दिख रहा है वही पेंट करना है यही दिमाग में रहता था। तो ये सब चीजें होती गई, और उसके साथ ही रियलिस्टिक के बाद या तो इसमें क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कर 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 करते करते जैसा भी मैं फाइनल ईयर में गया, ये बड़ी मजे से बात है, फाइनल ईयर में गया तो सब्जेक्ट लेना था, मैंने लिया पोर्ट्रेट और पेंटिंग पिक्टोरियल पेंटिंग। पेंटिंग लेने के बाद तो करना तो हमको एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें क्या करेंगे क्या,
तो मुझे नहीं जम रहा था, मैं बहुत अलग अलग ढंग से कोशिश किया लेकिन मुझे कुछ कलर अप्लाई नहीं हो रहा था मेरा, मेरा कुछ तो मिसिंग मेरा होगा। जो हम खुद को, अगर मैंने खुद को डेवलप भी वैसे ही किया कि मैं पहले तो फिर सोचता था कि मेरी क्या गलती है, मेरे कोई मिसिंग है, मैंने कुछ तो सीखा हूँ इतने साल तो उसमें कुछ मैंने मिस किया। तो मैंने सीधा आप स्टेशनरी में गया और आर्ट स्टोर में गया, पूरा फाउंडेशन का जो ड्राइंग बोर्ड, क्वार्टर साइज का पेपर, पोस्टर कलर, वो सब खरीद के लेके आया और जस्ट असाइनमेंट शुरू किया, बेसिक डिज़ाइन और कलर की। फटाफट 1-2-3 दिन वो किया लेकिन फटाफट फटाफट वो जो भी बेसिक है वो करते गया। मेरे एक प्रोफेसर एंदे थे जे जे, वो हमारे क्लास टीचर, वो आए, रवि ये तू क्या कर रहा है, किसका असाइनमेंट बना रहा है। मैंने बताया उनको कि सर मेरा ऐसा, मैं करने गया तो मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ जम नहीं रहा, इसलिए वो क्या मिस हो रहा है तो वो रिमाइंड करता हूँ। तो उनको बड़ा अच्छा लगा वो किया। फिर मैंने वो एक्सपेरिमेंट, जो कॉन्ट्रास्ट कलर है, अलग अलग जो स्कीम है उसमें पोर्ट्रेट करने की कोशिश की छोटे छोटे, लेकिन बहुत फास्ट, मतलब मेरा काम, मैं थोड़ा बाकी स्टूडेंट से मेरा ज़्यादा काम होता था क्योंकि मुझे पता था कि यही मुझे करना है और जब ये करूँगा तो ही मुझे कुछ फ्यूचर है, नहीं तो मुझे कुछ आएगा नहीं दूसरा। तो बहुत एक्सपेरिमेंट किया है उसमें और वो करते करते फिर कैनवास के ऊपर लगा। कैनवास के ऊपर लगने के बाद तो फिर थोड़ा कुछ रिफ्लेक्शन तो आता ही है, जो हमने देखा है वो ऐसा लगता है कि वो करेंगे तो ये होगा। फिर लाइब्रेरी में जाके, और मुझे ज़्यादा कुछ लगाव विजुअल से वो हो गई है गायतोंडे और रामकुमार, ये दोनों का। रामकुमार का एप्लीकेशन मुझे बड़ा पसंद आता था, गायतोंडे की कलर स्कीम वो कुछ अलग ढंग से, उसमें कोई अलग ही डेप थी, वो तो ये समझ में आता नहीं लेकिन ये अच्छा क्यों वो लगता है। तो फिर उसके बारे में सोचना और बाद में फिर हमारा कलर एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। तो कलर एप्लीकेशन करते करते फिर मैंने एक्सपेरिमेंट, इतना एक्सपेरिमेंट किया है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा उसमें। मैं दिन रात उसके बारे में सोचता था। और जब बैचलर था, अकेला ही था, तो रूम में पूरा कलर अलग अलग ढंग के जो भी है, वाटर कलर पेंसिल से इंक, वाटर कलर, पोस्टर कलर, पेस्टल, ऑयल कलर, एक्रेलिक तो तभी मतलब इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे हमें, वो सब लेके, चारकोल वगैरह सब लेके और पेपर ऐसा आजू बाजू में रख देता था। कभी कभी नींद में सपना दिख जाता था कि अरे मैं बहुत अच्छा पेंटिंग कर रहा हूँ और विजुअल बहुत अच्छे हैं। इमीजिएटली उठ के मैं कोशिश करता था कि भूल ना जाओ, निकल ना जाए, ऐसा मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, तो करने की कोशिश करता था। और फिर ऐसा करते करते कुछ एक्सीडेंटल चीज ऐसी होती है, या तो कुछ उसमें से ऐसा कुछ अच्छा लगता है तो वो क्यों अच्छा है तो फिर उसको संभाल के रखना और फिर वो कोशिश रिपीट करना। ऐसा करते 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 अभी ये हद तक पहुंच गया हूँ। अब पेंटिंग की डेप्थ, अभी जब हम बात करते हैं तो पेंटिंग की डेप्थ जो है कि हम जो सोचेंगे वो सोच अगर जब तक उसमें नहीं दिखती है तब तक तो पेंटिंग कंप्लीट नहीं होगा। बाकी विजुअल्स कुछ भी अच्छे आएंगे जाएंगे वो उसकी बात अलग है। तो उसके लिए मैं बहुत अभी टाइम देता हूँ काम को। तो कभी कभी मेरा एक काम 2-2 महीना, 6-6 महीना, तो एक आध काम साल भर, 2 साल भी नहीं कंप्लीट होता है, ये तो अभी की स्थिति है। तो जब मुझे कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिलने लगे तभी मैं बहुत धमाकेदार, धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐसा काम करने लग गया था। हाँ, और एक तो ऐसा भी टाइम था कि एक शो मैंने 15 दिन में खड़ा किया था। और अच्छा है, मुझे लगता था कि अच्छा हो गया क्योंकि समझ उतनी थी। जैसा जैसा फिर मुझे समझ आने लगी तो मुझे लगा कि पेंटिंग जो है हम जितना करते हैं उतना ही उसको स्पेस जरूरी है,
उसको देखने के लिए उतना ही टाइम, जितना प्रैक्टिकल है उतना ही देखने के लिए भी उतना ही टाइम देना चाहिए। मतलब उसमें कुछ हम क्या करना है क्या नहीं और कैसा उसको आगे लेके जाना है। कुछ कुछ रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, जैसा भी मैं मेरा काम ही कर रहा, आप देखते भी होंगे, उसमें बहुत एक्सीडेंटल रिजल्ट है। जो नेचर मेरा थॉट है जो, तो वो नेचर की जो आइडेंटिटी है उसको आर्टिफिशियल मुझे होना नहीं देना। नेचर में कोई भी एक पॉइंट भी ऐसा आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, और हर चीज को डायमेंशन है। जो हमको दिखता है वो एक बाजू दिखती है हमें, उसके पीछे भी बहुत कुछ है, तो वो भी उसमें फील होना चाहिए और वो सब मजा उसमें आना चाहिए। जिसके जो 5 एलिमेंट्स है, जैसा हम पानी की बात करें, हवा की बात करें, तो इसका तो कोई विजुअल है ही नहीं। अगर हवा पेंट करना है तो हम कैसा पेंट करेंगे? महसूस तो कर सकते हैं, नाक बंद करेंगे तो भी महसूस कर सकते हैं। पानी तो हम ग्लास में लेके पी सकते हैं, लेकिन वैसा पेंट करेंगे तो ग्लास का पेंट पेंटिंग हो जाएगा। नदी पेंट करेंगे, नदी पेंट हो जाएगा, पूरा ब्लू कर देंगे, पानी जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा, तो समुंदर पीले होगा, पानी नहीं फील होगा। तो उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो लाने के लिए मुझे क्या करना है? महसूस कर सकते हैं, मतलब उसको विजुअल फॉर्म होना ही होना है, भले उसको आकार ना हो लेकिन उसको रूप तो जरूर है। तो वो रूप ढूंढते ढूंढते अभी मुझे उसमें इंटरेस्ट भी आने लगा है, और मेरी लाइफस्टाइल भी हो गई कि पूरा दिन मैं वही सोचता हूँ वही करता हूँ। तो पता नहीं, धीरे धीरे वो आने लग गया होगा। अभी उसमें लोगों को लगता है कि इसमें डेप्थ बहुत सुंदर या सही बात नहीं इसमें। है नहीं, मैं इसलिए पूछा, तो डेफिनेटली मतलब आप पहले बहुत रियलिस्टिक वर्क करते थे, मतलब जो फॉर्म्स दिखता है उसे उतारते थे। धीरे धीरे बाद में जैसे आप इवॉल्व हुए, जैसे आप ट्रांसफॉर्म, आपके आपके काम में ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगी, तो वो फॉर्म्स लुप्त गायब हो हो गए। गए, फॉर्मलेस हाँ होने लगे, हाँ लेकिन उसमें ड्राइंग बरकरार रही, करेक्ट नहीं नहीं सी वो डेप्थ। जब मैं आपकी पेंटिंग्स पढ़ता हूं तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज दिखाई देती है उसमें, कि उसमें ड्राइंग बरकरार है, फॉर्म्स गायब है हाँ ना। वो नाउ एज एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें फॉर्म्स ना होने के बावजूद भी ड्राइंग बरकरार रहे उसमें। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे इसकी क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि मैं काफी सारे दूसरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को देखता हूं जिसमें इमेजेस बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन वो कलाकृति नहीं बनती है, क्योंकि उसमें टेक्सचर्स दिखेंगे आपको, एक बहुत विजुअल पिक्टोरियल दिखेगा लेकिन उसमें ड्राइंग नहीं दिखेगी। वो ड्राइंग जब गायब होती है उसमें, देन वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसमें, इट जस्ट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज, यस आर्टवर्क नहीं रहती है उसमें। तो ये जो इसके बारे में आपने कैसे कहे, संक्षिप्त में आप बता सकते हैं कि आप फॉर्म से फॉर्मलेस होने के बावजूद, क्योंकि ये एक बहुत आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट भी है हमारे करेक्ट, यस यस हमारे हमारे जो देश की, हमारी जो सनातन परंपरा है, जहाँ पे जिसमें आप आकार से निराकार तक भी जाएंगे, लेकिन मतलब वहां से उसमें, बट स्टिल उसकी उसकी ताकत बरकरार रहती है, उसकी ड्राइंग बरकरार रहती है उसमें। तो करेक्ट। हाउ वुड यू, अगर संक्षिप्त में बताना चाहिए कि फॉर्म से फॉर्मलेस होने के बावजूद भी ड्राइंग बरकरार है रहना उसमें। देखो, हम प्राणायाम करते हैं, हवा महसूस करते हैं, आध्यात्म जो है हमारा, तो उसमें एक चीज है, हम जो ब्रीदिंग जो करते हैं, ब्रीदिंग एक लीनियर चीज है, और उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो फॉर्मलेस है। ब्रीदिंग एक क्रिया है, एनर्जी जो मिलती है वो क्रिया नहीं, वो एक हमारे लंग्स में भरती है और कुछ अलग सा एक फ्रेशनेस
बॉडी में आएगा, एक अलग सा जो उसके पहले और बाद में हमें एकदम ऐसा प्रसन्न जो लगता है कि एक लाइट हम फील करते हैं हमारे बॉडी में। वो जो लाइट है उसके बारे में अभी मैं ज़्यादा ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो लैंग्वेज जो शब्द है उससे मैं बहुत दूर हूँ। और शायद वही वजह है कि मैं पेंटिंग में ज़्यादा डेप्थ ला सक रहा हूँ। नहीं, मैं बहुत हाँ ये बात आपने बहुत सही बताया, क्योंकि आ, 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 काफी सारे विजुअल आर्टिस्ट जो देखते हैं वो विजुअल लैंग्वेज में कम और साहित्य लिटरेचर वर्ड्स में ज्यादा चले जाते हैं। हाँ वो फॉर एक्चुअली ये एग्जांपल, होता है, एप्पल इज करेक्ट। एप्पल इज स्वीट, हम एप्पल ड्रॉ कर सकते हैं, स्वीट कैसा करेंगे? वो लिटरेचर से शब्द आया है वो। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि अभी सबको मतलब जो भी पेंटिंग देखने वाले हैं समझने वाले हैं, तो हम तो पेंटिंग बनाते हैं लेकिन लोग बोलते हैं कि इसमें क्या है। तो अभी जनरेशन ऐसा डेवलप हो रहा है कि बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके सिवा लगे को लोगों को समझेगा कैसा, उसके बारे में लिखना जरूरी है तो लोगों को पता चलेगा कैसा। 100% उसका उनको रिप्लाई मिलता है और उनके बारे में लोगों को सीधा सीधा रेडी मिलता है, तो वही बोल के हाँ इसके पेंटिंग में ये है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे जो भी है वो मेरी विजुअल लैंग्वेज है, सामने वाले को लैंग्वेज समझे या ना समझे वो तो उनका प्रॉब्लम है। अगर मैं उनका सोच के उनके लिए बना रहा हूँ क्या, कि मैं खुद के आनंद के लिए पेंटिंग बना रहा हूँ, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी हमारा जो भी लाइफ स्पैन है वो लाइफ स्पैन में आपके हाथ से कुछ होने वाला है, आप कुछ करने वाले हैं। अगर आपको पता है कि मुझे मैं ये कर सकता हूँ और ये मुझे करना है, तो उसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है। हमें पता नहीं कि हमारे पास टाइम कितना है, इसलिए हम जो टाइम है वो उसमें अगर देंगे, जितना मिलेगा टाइम लाइफ का उतना अगर उसको हम देंगे तो कुछ हम रिजल्ट दे के जा सकते हैं। अगर मैं डाइवर्ट हो गया दूसरी चीज में, अगर मैं और वो पेंटिंग, अभी बहुत लोगों का मानना है कि अरे इसके साथ लिटरेचर आना चाहिए, जरूरी है, वो सब जो कला है उसके बारे में आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। लेकिन आप कवि है क्या, कि आप पेंटर हो, आप लेखक हो, तो वो आप समझ लो। और अगर आप कवि हो पेंटर हो तो उस दोनों में आपका परसेंटेज किस में ज़्यादा है, उसको आप अगर 100% दोगे तो कुछ और भी अच्छा एनर्जेटिक कुछ निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी मुझे बहुत शौक है, बहुत क्लासिकल सुनना है, किसी की अच्छी कविता मुझे लगी तो वो हम समझ सकते हैं, उसमें विजुअल फॉर्म ढूंढता हूँ मैं। कोई क्लासिकल सुन रहा हूँ, कोई अच्छा साउंड सुन रहा हूँ, किसी की आवाज़ सुन रहा हूँ, वो मैं विजुअल्स थ्रू देखता हूँ। ऐसा नहीं कोई क्लासिक, कोई हम डिस्कस भी कर रहे तो एक हाथ लोग आदमी की आवाज, उसका प्रेजेंटेशन, जो भी बोलने का एक संवाद करने का तरीका है उसमें भी बड़ा बहुत अच्छा एक रिदम रहता है और बहुत सिंप्लीफिकेशन रहता है। और वो भी चीज अगर मैं विजुअल तरीके से देखूं तो मैं कुछ मेरे विजुअल्स में, मेरे इसमें पेंटिंग में कुछ और कुछ नया लाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ये मेरी सोच रहती है, शायद उसकी वजह से अभी ये चेंजेस, अभी जो भी मैंने खुद को डेवलप किया है, तो मैं पहले बहुत लोगों से डिस्कस करता था कि अरे ये ऐसा है, ऐसा क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, या तो कहीं डिस्कशन चल रहा है तो वहाँ भाग लेके वहाँ बैठ जाने का, तो मुझे मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे वो हाथ में कुछ नहीं लगता था।
एक्चुअली उसमें आर्टिफिशियल चीज़ ज़्यादा, ऐसी मसाला वगैरह वो ज़्यादा लगता था, और जो मेन चीज़ है वो नहीं मुझे लगती थी। तो मैंने चलो ये सब अनुभव हमने लिया है, अभी कुछ अपने आप ढूंढो, उसमें कुछ कोशिश करो, हो सकता है रास्ता गलत होगा, गलत निकला तो रिटर्न आके फिर से शुरू करेंगे। ये जो ट्राई मैंने करते गया और उसमें अपने काम में, और सबसे ज्यादा मेरा टीचर, मेरा गुरु, मेरा वर्क ही निकला। मैं जो करते रहा हूँ वो देखने के लिए जितना टाइम देता हूँ, बैठे रहता हूँ स्टूडियो में, तो मेरा वर्क मुझे, और कुछ ना कुछ हम बहुत बातें करते हैं, बहुत डिस्कस करते हैं, हमारा एक मौन चालू रहता है, मतलब अंदर से पेंटिंग और मैं, हम बातें करते हैं, तो अभी वो कौन सी लैंग्वेज होगी ये पागलपन है, कोई सीधे आदमी को बोलूंगा, कोई जनरल आदमी को तो क्या पागल आदमी है ये, पेंटिंग के साथ बात करता है, लेकिन ये मेरा लाइफ स्टाइल है। मैं इधर आता हूँ, पेंटिंग सब कलर, और जो भी, अगर मैं पूरा एक वाइट स्पेस होगी और वहाँ मुझे रख दिया तो मैं 5 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं बैठ पाऊँगा। अगर कुछ तो दिखता है तो मैं स्टूडियो में अभी अकेला ही रहता हूँ ये स्पेस में पूरा दिन, मुझे कभी भी 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे बोर हो रहा है। तो ये चीज है, एक पूरा विजुअल्स पूरा रवि के अंदर भरा है, और वो कभी कभी कैसा बाहर निकलेगा मुझे भी पता नहीं रहता है। तो बहुत सुंदर, बहुत सही ये बात। ऐसा कुछ एक है उसमें। एक्चुअली जब मैं मेरे पेंटिंग के रिजल्ट कभी कभी मैं गौर से देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये कलर मैंने कैसा लगाया, और ये यहाँ बीच में ये कोई फोर्सफुली दिख रहा है, ये शेड दिख रहा है, ये मैंने कैसा किया होगा। तो समझ में नहीं आता है कभी कभी कि ये मैंने उस टाइम मैंने क्या किया होगा। जब रिपीट अगर मुझे कहीं दूसरे कैनवास में लेना है तो वो मुझे आता ही नहीं। इसका मतलब कि जब मैंने स्पेस में क्या करना है और क्या नहीं, जो प्रोसेस चालू होती है, तभी मैं पूरा अनकॉन्शियस माइंड में जो एक शुरू हो जाता है, तो शुरू हो जाता है वो एक एनर्जी काम करती है। हम बोलते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया, वो तो ऊपर वाले ने किया है, तो ये जो चीज है वो, ये ऊपर वाला कौन है? कोई बैठा नहीं है ऊपर, कोई भगवान हम बोलते हैं तो कोई ऐसा भगवान बैठा नहीं है। जो भी है वो एक एनर्जी है, जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होकर आपकी चेतना में आके जो भी फ्लो निकलता है, उस फ्लो जो चालू रहता है, तभी हमारा दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेट उस चीज पे होता है। तो जब हम नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर वो रिजल्ट देखेंगे हम वो प्रोसेस कितना भी करेंगे, अभी मुझे पता है कि मैं क्या मटेरियल और इसके लिए क्या लगेगा, ये सब पता रहता है, जगह पे सब सामान रखा रहता है, कि जब प्रोसेस में वो इजीली मुझे हाथ में आता है वो सब ठीक है। लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि एनर्जेटिक जो लाइट उसमें आता है, वो लाइट शेड जो भी उसका, जो भी वो मजा है विजुअल्स का, वो क्या हो रहा है वो नहीं मैं बता सकता हूँ। वो इतना क्विक होता है, और मेरा स्टार्टिंग से कि मैं एक कैनवास लिया है और धीरे धीरे आज 1 घंटा काम करूंगा उसके ऊपर, ऐसा मैंने कभी नहीं किया, स्टार्टिंग से नहीं किया। जो अनरियलिस्टिक करता था तभी भी मैं नहीं करता था, खाली मैं लाइट देख लेता था और फिर सामने क्या ऑब्जेक्ट है क्या नहीं, और उसका आकार वो अपने आप वो लाइट पेंट करते करते वो रियलिस्टिक जैसा का ऐसा बन जाता था। लेकिन वही जो उसका आकार है वो निकालते गया, लाइट अभी भी पेंटिंग में है, वही है, उसमें भी वही डायमेंशन है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके पेंटिंग में फॉर्मलेस है लेकिन उसमें ड्राइंग है। ये ऐसी चीज है बहुत कम लोगों को समझ में आता है, जिसको विजुअल लैंग्वेज के बारे में, मतलब विजुअल लैंग्वेज ज्ञात है, वही ये बात समझ सकता है, और फिर वो आदमी वो कुछ नहीं पूछ सकता कि अरे रवि तेरे पेंटिंग में क्या है। नहीं, बहुत बहुत सही। इसमें मुझे वो एक और चीज भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मुझे आपके काम में जो मुझे दिखा इज आपके एब्स्ट्रैक्ट वर्क, आपके छोटे साइज पे भी है एंड आपने
इतना बड़ा बड़ा कैनवस भी किया है। जी नाउ फिगरेटिव वर्क और वर्क विद फॉर्म्स को बड़ा बड़ा कैनवस करना, उसकी पूरी एनर्जी, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी एंटायर, वो जो कैनवस के ऊपर उसकी जो पॉलिटिक्स चलती है ना, द पॉलिटिक्स ऑफ आर्ट, जैसे कि फॉर्म्स होते हैं, हर हर एक पात्र का, हर एक फॉर्म्स का उसका अपना एक किरदार होता है, उसकी एक ताकत होती है, उसका एक पावर, एनर्जी, उसका स्पेस, उसका सब कुछ, उसका एक डायलॉग रहता है सब। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में बहुत मुश्किल है बिकॉज वहां पे फॉर्मलेस है, लेकिन आपको फिर भी आपको पूरा प्ले करना होता है, करेक्ट, पूरा उस कैनवस की जो एनर्जी उसकी बरकरार रखनी पड़ती है उसको, एंड द एंटायर पॉलिटिक्स हैज टू स्टिल बी देयर विदाउट एनी फॉर्म्स। एंड वो मैंने लोगों को देखा लाइक 4 feet by 4 feet 5 feet, लेकिन मैंने आपके कुछ काम उससे भी बड़े देखे हैं उसमें, एंड मुझे वो आसान नहीं लगता जो आप टेम्पो एक छोटे से पेपर से लेकर उसको उसी टेम्पो को बरकरार इतना बड़ा। तो मुझे वो जानना है कि वो एक्सपीरियंस क्या है कि आप छोटे से लेकर बड़े तक कितना भी बढ़े, लेकिन बट स्टिल द पॉलिटिक्स ऑफ आर्ट जो होता है, उसकी फॉर्म्स की जो खेल होती है उसकी ड्रॉइंग की, वो आप बरकरार, उसकी डेप्थ की बरकरार रखते हैं आप, आपके छोटा वर्क हो या मैं बहुत बड़ा कैनवस भी देखूं उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये क्या चीज है वो, हाउ वुड यू दिस थिंग दैट? ये पहले तो मैं जो डेप्थ के बारे में बात करते हैं आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा कि वो कैसा मुझे महसूस हुआ स्टार्टिंग में, बाद में छोटा साइज और बड़ा साइज, खाली मेरा पेंटिंग देख के कोई बोल नहीं पाएगा कि ये कौन सा साइज है, ऐसा होता है। तो कभी दिखता है 5 feet by 5 feet, तो कभी लगता है ये 1 feet by 1 feet। तो ये क्या है? तो ये दोनों चीज का मुझे जैसा नॉलेज मिला, ये पहले तो मैंने दो आर्टिस्ट का नाम लिया है, गायतोंडे और राम कुमार। ये जो स्टार्टिंग में मुझे दो आइकॉन मेरे लाइफ में है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज और है इसमें कि राम कुमार जी को तो मैंने बहुत बार देखा है, मिला भी हूँ, मैंने उनसे बातें भी किया है कोई ओपनिंग में, लेकिन उनको भी याद नहीं होगा कि ये बातें तो सब आर्टिस्ट बड़े करते हैं। तो मैं किसी से बात करूंगा तो मैं उनको हेलो कैसे आप ऐसा कुछ डायलॉग करके उनका रिप्लाई कैसा आता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है वो बहुत गहरे तरह से ऑब्जर्व करता हूँ, और वही मेरे डायलॉग होते हैं, बाकी शब्द वहाँ कुछ नहीं रहते। शायद सामने वाले को वो महसूस होता भी होगा कभी, तो पता नहीं, या तो नहीं भी। और गायतोंडी जी को, वो तो मुंबई के थे, मुझे मिलना मतलब कोई ये नहीं था, लेकिन मैंने बहुत बार, मैं दिल्ली में भी गया ना कुछ वजह हो गई है कि हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो ये मुझे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि मेरी मुलाकात उनसे क्यों नहीं हुई, शायद यही होनी थी कि मुझे सबसे मतलब जो गायतोंडे एक विजुअल दे के गए हैं यहां से एक एब्स्ट्रैक्शन में, तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो शायद मैं उनसे मिलता तो उनकी बॉडी, उनका जो भी है लाइफ टाइम, उसके ऊपर मेरा थोड़ा सा ध्यान जाता, और फिर गायतोंडे बोलूंगा तो फिर वो सब मुझे याद आएगा। अभी वो कुछ याद नहीं आता मुझे, मुझे खाली उनके विजुअल से याद आते हैं और उनकी स्टोरी, जो भी उन्होंने एक विजुअल्स के लिए जो खुद को एकाग्र किया है उन्होंने, वो मेरे लिए बहुत बड़ी देन है एक। और दूसरा गायतोंडे से ही रिलेटेड है, मैं एक मेरे शो में पेंटिंग बिक गया तो मैं उनका डिलीवरी देने गया था एक जगह, तो मैं पेंटिंग लेके गया, मैडम ने बोला कि इधर रखो, मैंने रख दिया और बोले रुको मैं बैठो आप, मैं आती हूँ अंदर, तो कुछ शायद पैसा लेने गई होगी या कुछ। तो उतने में एक रूम में मुझे रेड कलर थोड़ा सा दिखा, तो मैंने थोड़ा सा झांक के देखा कि ये रेड क्या है, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो मैं
तो फिर आगे जाके फिर ऐसा देख रहा हूँ, तभी वो पीछे से आई। काय बकतोस, मैं डर गया, बेडरूम में देख रहा हूँ यार। तो कह नहीं, तेरे लाल पेंटिंग है कोना से तुरी, बोले वो गायतोंडे है, देखना है तुझे। तो मैं गया, वो रेड पेंटिंग देखा वसंत जी, मैंने मैं स्तब्ध हो गया, स्तब्ध। इसके अलावा मैं कुछ शब्द ही नहीं यूज कर सकता हूँ कि एक कलर सीधा कुछ उसमें नहीं, लेकिन डेप्थ इतनी थी कि वो कलर अप्लाई कैसा किया होगा, ये सब क्वेश्चन मार्क कि एक क्या है। मैं स्तब्ध हो गया, मुझे ज्यादा मतलब समझ में नहीं आती थी। वहां से निकलने के बाद ये सब क्वेश्चन मार्क शुरू हो गए कि ये कैसा उसमें एनर्जी आई होगी। वही एनर्जी की जो बात है, वो पेंटिंग ने मुझे जो एक कुछ सेकंड या मिनट मैंने देखा बस। तो उसके बाद गायतोंडे जी के तो पंडोल में भी काम देखे हैं, बाद में भारत भवन में भी उनके काम देखे हैं, ड्राइंग देखे हैं, वो सब देखा हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में जब कभी हमें भूख लग जाती है तो कुछ खाना आता है सामने, हाँ, और वो पौष्टिक होता है, तो वो कितना अच्छा वो बॉडी को लगता है। वो बिल्कुल 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 ये हो गई। अभी मैं रियलिस्टिक करता था उस समय, एक जॉन सिंगर सार्जेंट करके आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया उनके रियलिस्टिक पेंटिंग्स है, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। मैं स्टूडेंट लाइफ था, स्टूडेंट लाइफ में था उस पीरियड में, तो उनको बहुत फॉलो करता था। तो पहले तो मैं विजुअल देखता था कोई भी आर्टिस्ट के, बाद में फिर वहाँ विजुअल्स के डिटेल्स, और बाद में फिर उसको पढ़ना है तो वो लास्ट में। तो सिंगर सार्जेंट का जो एक बुक है, उसमें साइजेस में देखने जब शुरू किया, तो मैं बार बार देख रहा था कि ये साइज इतना छोटा भी है, ये बड़ा है, तो दोनों तो ऐसा महसूस नहीं होता कि ये प्रोपोर्शन तो वही लग रहा है। तो ये चीज जब है, ये मैं कैसा कर पाऊंगा, तो उसके लिए कैसा मतलब हैंडलिंग में जो है हमारा हाथ का जो मूवमेंट है वो तो उतना ही रहेगा। तो फिर उसके लिए कि जो हमारे टूल्स है वो टूल्स के प्रोपोर्शन बढ़ेंगे, तो उस टाइप से मैंने शुरुआत की। और धीरे 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 कि वही प्रैक्टिकल करते गया तो वो अपने आप आ गया, उसके लिए मुझे कोई कोशिश करनी नहीं पड़ी। और जब हम एक विजुअल की बात करते हैं, तो फिर वो साइज बड़ी हो छोटी हो, तो फिर उसमें तो वही चीज हम देखेंगे कि जब तक उसमें जो मैं सोच रहा हूँ वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तब तक तो उसका रेंडरिंग चालू ही रहता है। तो वो छोटा हो बड़ा हो तो उसमें वो आ ही जाता है। कभी कभी इजीली कुछ ड्राइंग या कुछ रिजल्ट मिल जाते हैं, रेंडरिंग में ब्रशिंग या कुछ ऐसा आ गया, तो तभी भी वो लगता है कि ये कंप्लीट है। फिर उसको जो जरूरी है उतना ही काम करके वो भी छोड़ देता है। तो कभी कभी उसमें बहुत बहुत काम होता है, उसमें से कुछ निकलता है। कभी कभी कोई वर्क काम करने के प्रोसेस में अड़क भी जाता है, हमें पता नहीं रहता है कि उसमें का क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही काम करते करते फिर समझ आई कि बाबा ये काम जो है अभी हम कंटिन्यू कर रहा है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसको बाजू में रख देंगे। तो 15-20 दिन, 1 महीना उस दिखता ही नहीं मैं, उसके बाद उसको जब देखूंगा तो इमिजिएटली पता हो जाता कि यार ये प्रॉब्लम है। ये तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो प्रॉब्लम, तभी वो जो प्रॉब्लम है वो हमें अच्छा लगता है, इसलिए वो पेंटिंग कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसी चीज होती है, ये सब प्रैक्टिकल की बात है। रवि जी, आप एक आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट फैमिली से, आपके पिताजी कलाकार थे, आपकी वाइफ भी एक आर्टिस्ट है, घर में पूरा 24 घंटा आर्टिस्ट का, सो एक आर्टिस्ट की फैकल्टी आप में है, आप एक कला शिक्षक भी रहे हैं, जी अपने अपने अलग अगले जनरेशंस के साथ काम किया आपने। आज की इस कंटेम्प्रेरी आर्ट में क्या लगता है आपको, हमारे देश का किस ओर जा रहा है, आगे है पीछे है, जितना जाना चाहिए था नहीं नहीं जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक?
देखो, हर टाइम की अपनी बात होती है। हाँ, हाल ही हमारी सोच पुरानी होती है। टाइम टाइम होता है, और कोई भी चीज गलत या बुरी नहीं होती। तो हम बचपना था हमारा, तभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज पूरी टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो ये जनरेशन गैप है, और हम हमारे तरीके से समझने के लिए तो कोशिश करते हैं, तो वो गलत बात है। इसलिए उस ढंग से अगर सोचेंगे, उनका जो बचपना है, आज के जो भी यंगस्टर है, उनके बचपने से वो यंगस्टर जैसे बने हैं, ऐसा अगर वो देखेंगे तो वो कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। आज की जरूरी है, आज की जरूरी ऐसी है कि किसी भी, जैसा भी मैं कर रहा हूँ, एक पेंटिंग के लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, उसका रिटर्न मुझे कितना आता, ये मैं नहीं सोचता, क्योंकि मुझे सोचने की जरूरी नहीं है। पहली चीज है, मैंने खुद को ऐसे ही डेवलप किया है कि मुझे पैसे से कोई लगाव नहीं है। मुझे जरूरी जितनी है उतनी मुझे मिल जाता है, तो उसमें बहुत बहुत खुश हूँ, समाधानी हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम समाधान हो तो मैं पेंटिंग करने का छोड़ दूँ, लेकिन मैं उसमें समाधानी नहीं हूँ। मैं जो कर रहा हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे पेंटिंग नहीं आता है, मुझे और कुछ उसमें सीखना चाहिए। और जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे और आगे के दरवाजे खुलते हैं, तो मुझे उधर जाके देखना है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। ये जो मैं दे रहा हूँ टाइम, वो टाइम उतना टाइम आज के जनरेशन को नहीं है देने के लिए, और उनको बहुत कुछ रिजल्ट रेडी है, तो वो उस ढंग से ही काम करेंगे। मैं इसलिए पूछा ये सवाल, आई मीन जो मेरी मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, आई डोंट नो, बट लेकिन जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, हाँ डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, वो समय समय के साथ जो जो उपलब्ध है उसको यूज करके काम करते, दैट इज फाइन, दैट इज फैंटास्टिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर मुझे एक गैप या कमी जो लगती है, मुझे मुझे ऐसी लगती है कि सब लोग एक एक ही पैटर्न में जा रहे हैं, सब्जेक्ट्स में भी काफी यही जा रहा है। अभी फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग इसलिए होते हैं क्योंकि वो बिकते हैं, सेल होते हैं, या आसान है, जल्दी करना या समथिंग, उसमें वो कहीं तो वो सब्जेक्ट की जो खोज है वो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होती दिखती है मेरे को। या फिगरेटिव में भी हो, फिगरेटिव में भी वही ट्राइड एंड टेस्टेड सब्जेक्ट्स पे ही ज्यादा काम होती है। मैं इस पे दोष नहीं दूंगा क्योंकि आर्टिस्ट को पूछेगा तो बोलेगा कि नहीं, जो बिकता है वही तो मैं करना है क्योंकि मुझे भी बिल्स पे करने होते हैं। गैलरी वाले बोलेगा कि नहीं, जो बिकता है वही तो मैं सेल करूंगी, नहीं तो दूसरा क्या सेल करूंगा। एंड समाज जो बोलता है कि नहीं, जो है वही तो मैं खरीदूंगा, जो नहीं है मैं कहां से खरीदूं। सो ये आर्टिस्ट, गैलरी और समाज, बायर में, ये तीनों में वॉलीबॉल चल रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को ऐसा। तो ये इसकी व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आई मीन इसकी कोई तोड़-फोड़ कुछ नहीं हो सकता है, एक ओपिनियन हो सकता है, दैट्स इट। क्योंकि क्योंकि हाँ, इसमें ये तीनों की भी गलती नहीं है, तीनों की भी गलती नहीं है। हाँ गलत किसी की नहीं है। जैसा जिसको जो जरूरी है, वो जरूरी पूरी करने की कोशिश कर रहा है बस। एग्जैक्टली लेकिन उसमें भी अभी के भी जनरेशन में आपको कुछ सीरियस पेंटर दिखेंगे। हाँ, वो करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुझे ये चाहिए। हाँ, तो वो करने के लिए वो टाइम भी दे रहे हैं। उनको भी मतलब उसका रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सक्सेस होंगे नहीं होंगे, उसके बारे में वो भी अनभिज्ञ है, लेकिन उनके अंदर की एनर्जी बोलती है कि ये मुझे करना है, तो वो करते हैं। बराबर। तो एक है, एक अभी बहुत सारे आर्ट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे संस्था है, बहुत सारी गैलरीज है, तो ये सब जो भी आर्ट कॉलेज के बच्चे हैं, सबके सब कोई भी, मतलब वो आप डॉक्टर फील्ड के ले लो, आर्किटेक्चर में ले लो, इंजीनियर ले लो, ये सब जैसे जितने स्टूडेंट है उतने होके उतने इंजीनियर बने, उतने आर्टिस्ट बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सा कम इंजीनियर होते हैं कि उसमें से कोई साइंटिस्ट निकलता है। बहुत सही।
आर्ट स्टूडेंट है उसमें से कोई आर्टिस्ट निकलता है, आर्टिस्ट बोल रहा हूँ मैं, हाँ सही बात, सही बात। पेंटिंग करता है तो आर्टिस्ट होता है, वो तो बात अलग है। हाँ तो ये अगर हम एकदम क्या बोलेंगे, जैसा हम टी जैसा छानने से निकालते हैं, जो भी रस निकलेगा वो जिसमें होगा वो आर्टिस्ट होगा। स्टार तो स्टार निकलेगा ही स्टार, वो तो छुपके बिल्कुल नहीं रहता है। जो बिल्कुल एनर्जी के अंदर होती है वो अगर एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो वो तो उसका लाइट बताएगा ही बताएगा, है ना। तो खाली हम जो देखते हैं, हम जो डिस्कस करते हैं, ओवरऑल हम देखते हैं। हम अगर 10 लोगों को आर्टिस्ट का भी देखेंगे तो बहुत सारे, देखो अभी भी आपने भी महसूस किया होगा, बहुत आर्टिस्ट ऐसे है कि अरे मुझे पेंटर बनना है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और जैसा जैसा टाइम निकलते जाता है वो दूसरा कुछ करने लग जाता है, भूल जाता है वो पेंटिंग। सही बात लेकिन सही कोई उसमें ऐसे भी होते हैं कि भूखा रहेगा, फटा रहेगा, लेकिन वो काम करते रहे, उसका बिके नहीं बिके उससे उसको नहीं, वो थोड़ा सा पागल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन वो सब उसके पेंटिंग में आएगा, रिफ्लेक्ट तो होगा ही, लेकिन उसमें डेप्थ रहेगी, उसका फ्रस्ट्रेशन उसके पेंटिंग में दिखेगा, उसका जो आनंद है उसको उसके पेंटिंग में दिखेगा, ये सब चीज़ है। तो जो ओरिजिनल होता है वो कोई ऐसा, एक ओशो ने बहुत अच्छी चीज कही है कि समाज को जितने जरूरी है उतना, वो तो बस समाज की जरूरी हो गई, लेकिन एक उन्होंने ये बताया कि जैसा जो सीड्स होते हैं जो एकदम तैयारी के साथ, मतलब जो भी फसल के लिए अच्छा एक सीड मिलता है, वो एक मुट्ठ भर दाना ले लो और ऐसा फेंक दो, तो कोई दाना ऐसी जगह गिरेगा कि उसको पूरा खत पानी मिल जाएगा, कोई ऐसा होगा कि उसी जगह उसके ऊपर से गाड़ी चली जाएगी, कोई चिड़िया आके खा जाएगी। तो इस टाइप के आर्टिस्ट, कोई भी क्रिएटिव आदमी जो निकलता है उसको सब इधर से ठीक से, अगर उसको सब मिल जाएगा खत पानी या प्रॉपर, तो अपने आप उसके अंदर तो एनर्जी है ही है, वो निकल जाएगी। तो ये चीज है, ये सब जो बोलते हैं ना, एक जो यूनिवर्सल चक्र चलता है, जो एनर्जी मूवमेंट होती है, वो टाइम टाइम की बात है। बिल्कुल सही बात है। वेरी 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 नाइस टॉकिंग टू यू रवि जी। बहुत थैंक, मैं आधा घंटा बोल के काफी टाइम ले लिया आपका इसमें। नहीं कोई बात नहीं, अभी तो अब बैठा हूँ स्टूडियो में तो ये बात आज और पेंटिंग के बारे में बात होती है तो फिर इसमें कितना भी दिन निकल जाए सही कोई बात। सवाल नहीं, ही नहीं। मैं डेफिनेटली मैं आपके साथ एक और सेशन करना चाहूंगा, क्योंकि शास्त्र के बारे में वो कहते हैं हाँ जी हमारे भारतीय जो कला कला क्षेत्र जो है वो कोई भी ले लो, साहित्य संगीत नाट्य कुछ भी हो, लेकिन वो चार तत्वों पर आधारित है। शास्त्र, तंत्र हो, विद्या हो एंड एस्थेटिक्स हो, सौंदर्य, चार पे। मैंने लास्ट टाइम भी उसको ये बता ये किया था, सेइंग दैट कि शास्त्र उसको समझाया जा सकता है, उसको सिखाया नहीं जा सकता। शास्त्र को समझना चाहिए, तंत्र को सीखना चाहिए, विद्या दी जाती है। विद्या है ना, कि कोई कोई गुरु जी हमको दिया, हम पास ऑन करते गए, ऐसे ही वो रिले होता रहता है। लेकिन सौंदर्य जो है वो संस्कार है, जो हमारे हम पैदाइशी हमारी चेतना की ताकत हो, या हमारे आज हमारे जो जिस तरीके से हम बढ़ते गए उसमें जो लिया वही सौंदर्य। काफी सारे आर्ट वर्क जो ये लिखा है स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट में, मुझे ये दूसरे दर्ज मतलब तंत्र टेक्निक पर बहुत अटक गए हैं उसमें, वो शास्त्र और इसमें ये कम हो गया, मतलब मुर्गी बहुत कम रही, मसाला ज्यादा हो गया। ये तो शास्त्र और ये तंत्र है ना, तो जिसमें मैं भी बहुत सफर हुआ हूं इसमें, कि जब तक हम तंत्र में माहिर नहीं होंगे तब तक तुम्हारी सोच बाहर कैसे लाओगे, वही तो प्रोसीजर, इसलिए उसकी मास्टरी होना चाहिए बाद में फिर आपका। तो लेकिन वो हाँ उस पर अटक जाएंगे ना, ये काफी तो लोग उस फिर पर गया। अटक, देन इट हाँ बिकम्स अ पिक्टोरियल इमेज, फिर वो हाँ कलाकृति नहीं बनती है। करेक्ट करेक्ट
तो इसलिए मुझे आपकी एब्स्ट्रैक्ट कलाकृति में वो डेप्थ, वो क्यूरियोसिटी, इसलिए क्योंकि ये चारों की चीज है ना, मतलब शास्त्र हो, तंत्र हो, उसकी विद्या हो एंड उसकी एस्थेटिक्स हो, सौंदर्य प्रज्ञा सौंदर्य, ये चारों की मिश्रण बहुत सुंदर आपको। एंड मेरे ख्याल से दैट इज द रीजन व्हाई फॉर्मलेस होने के बावजूद भी एक ड्राइंग दिखता है। एंड वो बहुत एक डेप्थ दिखती है उसमें, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर पेंटिंग सर जी। अरे पेंटिंग के बारे में, और जब गैलरी में शो होता है तो सब लोग देखते हैं, हम भी उधर रहते हैं, तो कुछ डायलॉग होते हैं उसमें, कोई लेमन आ गया तो बोलता है, यार आपका पेंटिंग हमें बहुत अच्छी लग रही है, कि ऐसे देखते रहो ऐसा लगता है, लेकिन इसमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए वो नहीं समझ रहा है, उसमें क्या है वो नहीं समझ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये ऐसा जो बोलते हैं वो बहुत सच्चे दिल से बोल रहे हैं, वो जो भी, बिल्कुल कि वो रुक रहा है देख रहा है और फिर समझ में नहीं आ रहा, तो वो मेरे पास आता है कि इसमें है क्या यार, क्या बनाया आपने, कुछ समझ में आ रहा है, वो लेकिन छोड़ता नहीं वहां से, बिल्कुल तो वो बिल्कुल गयापन है उसमें, कि ये देखते तो उधर ऐसा सा खींच लेता है वो। तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि आपको पेंटिंग विजुअल लैंग्वेज ज्ञात नहीं है, लेकिन आप देखते हो, मतलब विजुअल लैंग्वेज आपको है, समझ है उसकी, लेकिन आपकी मतलब ये नहीं है कि वो आपको, विकसित नहीं हुई है, उसको हाँ उसको तो पोषण नहीं वो, किया गया। हाँ तो वो उसमें आपका अट्रैक्शन है, इसलिए आप आ रहे हैं गैलरी में, आ रहे हैं उसकी वजह से आ रहे हैं कि पेंटिंग देखने के लिए, आप तो कोई आर्टिस्ट नहीं है, आर्ट फील्ड से कुछ नहीं है, बोले मैं रेगुलर आता हूँ लेकिन आपके पेंटिंग मुझे ऐसा ऐसा खींच रहा है। तो ये चीज है कि मुझे लगता है कि मैं कहीं तो सक्सेस हो रहा हूँ, और मैं उनको वही बोलता हूँ कि वो जो तुमको खींच रहा है वो एक एनर्जी है, वो विजुअल्स की, और वो आपको खींच रहा है, मतलब मैं सक्सेस हूँ, मतलब बराबर ट्रैक पर जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वी विल स्टॉप हियर नाउ रवि जी, एंड ओके हम जी, फिर से हम मिलेंगे शास्त्र के बारे में डिस्कस करने के लिए। दैट्स अ वेरी चलिए, इंटरेस्टिंग दिस थिंग, स्पेशली शास्त्र तंत्र की जो रिले होती है उसकी एक बहुत अच्छी डांडिया होती है। मैं बोलता हूँ इन दोनों की बहुत अच्छी डांडिया होती चलिए है। एंड उसकी उसकी डिस्कशन में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर सकते हैं उसमें, है अच्छा जी, जरूर ना। करेंगे, सो थैंक यू वेरी मच रवि जी, आपने समय निकाला, मैंने थोड़ा टाइम बोल के आपका काफी टाइम ले लिया, बिकॉज हाँ नहीं आपका भी बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकली तैयार नहीं था उसके लिए, तो अंडरस्टैंड, कुछ ना कुछ होते गया लाइफ में बीच में, चलो बट आज नो आ वरीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस इसमें। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, दिस वाज रवि मंडलिक विद अस, हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई के वरिष्ठ कलाकार। आपने उनकी अनुभूति, उनकी जो सोच विचार है वो आपने सुनी। डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस डिस्कशन, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू चैनल वी आर आर्टिस्ट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू रवि जी वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।